जय हिंद। आजकल बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि हाउ टू रिमेम्बर एनीथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि किसी भी चीज को, किसी भी सब्जेक्ट को हम बहुत मतलब लंबे समय तक कैसे याद कर सके। तो वेन एवर आई थिंक दिस इज द ओनली वे दैट आई एम गोइंग टू टेल यू कि आपको यदि कोई भी चीज बहुत लंबे समय तक याद करना है तो दिस इज द ओनली थिंग। ठीक है, केवल एक ही उपाय बता रहा हूं और उसको आप फॉलो यदि करिएगा तो यू मस्ट रिमेम्बर एनीथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंड द वे इज दैट यू टीच दैट थिंग फॉर समबडी। आप उस चीज को किसी को बताइए, किसी को पढ़ाइए। आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो या आपका दोस्त हो, ठीक है ना, उसके बारे में यदि आप बताते हैं तो वो चीज आपको बहुत ही अच्छे ढंग से याद हो जाएगा। ठीक है, और बहुत लंबे समय तक याद रहेगा आपको, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, आप जरूर बताइएगा कि ये थोड़ा सा करके आप बताइएगा कि ये आपको टेक्निक कैसा लगा। ठीक है, कमेंट भी जरूर करिएगा। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट का भी कमेंट ये भी आ रहा है कि सर इन दिस डेज पढ़ने में हमारा मन ही नहीं लग रहा है क्योंकि द सिचुएशन इज वेरी क्रिटिकल नाउ, ऑफलाइन क्लासेस हो नहीं रहा है। तो देखिए, पढ़ने में मन लगेगा यदि आपका लक्ष्य, आपका गोल, आपका एम यदि आपका है तो पढ़ना भी आप ही को पड़ेगा। ठीक है ना, पढ़ना भी आप ही को पढ़ना करना पड़ेगा, मेहनत भी आप ही को करना पड़ेगा। यदि आप मेहनत करिएगा तब सफल होइएगा। ठीक ना, कहने का मतलब है कि यदि लक्ष्य आपका है तो मेहनत भी आप ही को करना पड़ेगा। ओके, हम बस यही कहना चाहेंगे कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना ऐसे बैठ मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है ना, तो आप हौसला बरकरार रखिए, आपको गोल एक दिन आपका कदम चूमेगा, ये मेरा वादा है।